गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ब्लॉगर। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी दोस्त इस चैनल को देखते हैं कि प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब 75% मेरे दोस्त है जो वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। अगर अच्छा नहीं लगे तो प्लीज उसमें कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या इम्प्रूव कर सकते हैं हम। यही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से आपसे, ठीक है। उसके बाद और मैं अपने दिल से मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगा कि मेरा जो 500 सब्सक्राइबर जो है वो कल पूरा हो चुका है। होपफुली ये 500 फैमिली मेंबर्स जो है वो 1000 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्द ये 1000 सब्सक्राइबर या मेरे फैमिली मेंबर्स जो होने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का जो वीडियो है वो है पीएचडी एडमिशन के रिलेटेड। और ये जो नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन एरिस नैनीताल के द्वारा निकाला गया है, और ये एरिस किया है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस नैनीताल, ठीक है। ये बहुत ही एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी या एटमोस्फेरिक साइंस अगर पढ़ना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसका जो एडमिशन प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्या है वो देखेंगे हम, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें देखिए, पीएचडी एडमिशन 2021 एक बार उनका एडमिशन हो चुका है। तो जेस्ट के जो कैंडिडेट है उनके लिए ऑनलाइन पोर्टल जो है वो ओपन किया गया है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें क्या है। देखिए पहला जो एलिजिबिलिटी है, आपका एमएससी इन फिजिक्स होना चाहिए, उसके बाद 55% जनरल कैंडिडेट के लिए होना चाहिए, मतलब जनरल मतलब ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए। और आपका रिजर्व कैटेगरी के लिए आपका 50% मार्क्स होना चाहिए मास्टर डिग्री में। और दूसरा जो है देखिए, आपके पास या तो वैलिड जेस्ट होना चाहिए या सीएसआर, जेआरएफ या इंस्पायर होना चाहिए। अभी जेस्ट में कितना रैंक तक बुलाते हैं वो लोग, देखिए अगर जेस्ट में आपका लेस देन अप टू 100 रैंक है, ठीक है ना, तब आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर जेस्ट में आपका 100 अप टू 100 है रैंक तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपके पास जेआरएफ हो या इंस्पायर हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर जेआरएफ कैंडिडेट और इंस्पायर कैंडिडेट अगर होंगे, ये एक्सटर्नल फेलोशिप है, ठीक है ना, इसलिए उनको थोड़ा ज्यादा प्रिफरेंस दिया जाता है। और जेस्ट के थ्रू जो होता है वो इंस्टीट्यूट फेलोशिप होता है, इसलिए वो भी लेंगे, ठीक है, लेकिन प्रिफरेंस जो है ज्यादा थोड़ा जेआरएफ को दिया जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं आप सभी लोगों को, जितने भी मेरे दोस्त एमएससी में हो तो आप लोग नेट के लिए अच्छा से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि नेट जेआरएफ जो है वो सब बॉस ऑफ ऑल एग्जामिनेशन। नेट जेआरएफ के थ्रू आप इंडिया का किसी भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए इसके लिए अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो ये है आपका, अगर जेस्ट में है तो 100 से नीचे रैंक होना चाहिए, या तो आपका जेआरएफ होना चाहिए या इंस्पायर फेलोशिप होना चाहिए आप लोगों के पास। उसके बाद जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, देखिए आज से 16 अगस्त से 19 अगस्त तक है, 16 to 19 अगस्त, सिर्फ 3-4 दिन के लिए खोला गया है ये एप्लीकेशन पोर्टल जो है, ठीक है ना। आज 12 बजे से स्टार्ट हुआ है, 19 अगस्त 12 बजे तक आपका रहेगा, उसका ऑनलाइन पोर्टल जो है ओपन रहेगा। तो आप जल्द से जल्द इसको फिलअप कर दीजिए, लेट मत कीजिए, ठीक है, अभी जाके उसको फिलअप कर दीजिए, ठीक है। और दूसरा, ये इंटरव्यू डेट जो होगा आप लोगों का वो होगा, दो डेट दिया गया है इंटरव्यू के लिए, 24 and 26 अगस्त, ठीक है, 24 और 26 अगस्त में आपका इंटरव्यू होगा। 1 अगस्त से पहले आपका जो रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और 31 अगस्त से आपका जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो अपॉर्चुनिटी आप मिस मत कीजिए, जो भी दोस्त एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी या एटमॉस्फेरिक साइंस में हो वो आप लोग जरूर इसमें अप्लाई कर दीजिए। और एक बात जो है वो, जस्ट जिन लोगों ने फिजिक्स में दिए हो या एटमॉस्फेरिक साइंस में दिए हो और या तो आपका जो आर्ट साइंस में हो, सभी लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका रैंक जो है लेस देन 100 है तब आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो भी श्योरिटी नहीं है, ठीक है ना। वो लोग उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर आपका जो एक शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का नाम जारी किया जाएगा, फिर वो लोग इंटरव्यू के लिए अप्लीकेबल होंगे, ठीक है ना। इंटरव्यू के बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और 31 अगस्त से आपका जो ऑनलाइन क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाए। जल्द से जल्द इसको फिलअप कर दीजिए आप लोग, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।